जब भी मैं आपसे कहता हूं कि जाग जाओ, होश में आओ, अपनी आंखें खोलो, तो आप पूछते हैं कैसे, कैसे होश को जगाएं, कैसे आंखें खोलें, कैसे स्वयं को जानें। अगर सच में ही आप जागना चाहते हैं, अगर सच में ही आप अपनी आंखें खोलना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। समझाने की तो आज बात ही नहीं, आज तो दिखाने की बात है। जब आप अपनी ही आंखों से सत्य को देखेंगे, तभी जानेंगे। सत्य वही है जिसे आप देख पाए। सत्य को समझने का कोई अर्थ नहीं, सत्य तो दर्शन है। अगर केवल एक बार भी आपको अपनी आंखों से देखना आ गया, फिर हमेशा के लिए आंखें खुल जाती हैं। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो छोटी है। जैसे ही आप जाग जाते हैं, एक क्षण भी नहीं लगता, आप स्वयं को जान जाते हैं। वास्तव में आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। आपने अपनी ही कल्पना में अपना एक काल्पनिक संसार निर्मित कर रखा है, उसी में आप उलझे हैं। इसलिए आंखें खोलने से आपको एक तरह का डर भी लगेगा, क्योंकि आपकी कल्पना में तो आपको पता है, उस कल्पना को तो आपने ही बनाया है, लेकिन सच में क्या पता क्या देखने को मिले। सत्य के दर्शन करने का साहस चाहिए। इसलिए आज बहुत चीजें आपके जीवन से चली जाएंगी, आज बहुत से आपके सपने टूटने वाले हैं, बहुत से भ्रम जिनमें आप फंसे हैं, बहुत से झूठ के जाल जो आपने स्वयं ही अपने लिए बुन रखे हैं, वो सब के सब आज गिर जाएंगे। कितनी भी गहरी नींद हो आपकी, आज मैं आपको झकझोरना चाहता हूं। चाहे इसमें आपको कष्ट ही क्यों ना हो, कष्ट तो होगा, जरूर होगा। सत्य का दर्शन कष्टपूर्ण है, ठीक वैसे ही जैसे आपका जन्म। जन्म लेने के लिए भी कष्ट उठाना पड़ता है, ये भी एक तरह से आपका नया जन्म है। आंखें खोलने में कोई समय नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा कि आज ही, ठीक आज ही ये सब आपके साथ होने वाला है। बस आप थोड़ा धैर्य रखते हुए वो सब आज देखते जाएं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। केवल थोड़े से समय के लिए भी अगर आप धैर्य नहीं रख सकते, अगर अभी भी आपका मन इधर उधर भाग रहा है, तो मैं तो क्या, इस संसार में कोई भी आपको सत्य के दर्शन नहीं करवा सकता। अपने सभी विचारों को रोक दें और पूरी तरह सजग हो जाएं, सजग हो जाएं एक एक बात को जानने के लिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो आपको साफ साफ दिखाई ना दे। एकदम सरल तरीके से आपके ही चारों तरफ फैले सत्य से आपका परिचय करवाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो सब कुछ बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सरल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार सुने। बहुत बार सुनने के बाद सब कुछ आपके सामने प्रकट होता चला जाएगा। यहां एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं, जिनको सुनने के बाद आप सोचते हैं कि ये तो पहले ही सुन चुके, अब कोई नई को सुनेंगे, तो आप गलती पर हैं। जब आप बार बार सुनते रहेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे
हर बार आपको उसमें कुछ नया मिल रहा है। उसका कारण है, जो बोला गया है वो तो बिल्कुल वैसा ही है जो पहले सुना था, उसमें तो कुछ नया पैदा नहीं हो रहा, लेकिन सुनने वाले में हर पल कुछ नया पैदा हो रहा है। जब आपने पहले सुना था उस समय आप किन विचारों में थे, आपका मन किस डायमेंशन में था, किस आयाम में था। मन पल पल में बदल रहा है, ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति नदी में नहाने के लिए उतरे। व्यक्ति तो वही है लेकिन पानी नहीं, पानी हर पल बदल रहा है। ठीक ऐसा ही आपका मन है, जो कहा गया है उसका एक अंश ही एक बार में आपको समझ आता है, आपके ही मन के आयाम के कारण। फिर मन जब दूसरे आयाम में है तो फिर कुछ और पकड़ में आ जाता है। ऐसा बहुत से मित्रों के साथ हो रहा है जिनके मुझे ईमेल मिलते हैं। वो कहते हैं कि जितनी बार भी आपको सुनते हैं उतनी ही बार कुछ नया मिल जाता है। इन मित्रों का जीवन केवल सुनने के कारण ही रूपांतरित हो गया, इनका पूरा जीवन बदल गया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई ध्यान किया, ना जाप किया, ना कुछ और, कुछ नहीं किया, केवल सुना और समझा। केवल सुनने से ही पूरा मन बदल गया बिना किसी प्रयास के। तो आज ये टिप भी मैं आपको देना चाहता हूं, खास करके उन मित्रों को जो कहते हैं कि ध्यान में नहीं उतर पा रहे। वो इसलिए नहीं उतर पा रहे को वो ध्यान के साथ एक जबरदस्ती करने में लगे। ध्यान के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस केवल सुनो और उस पर मनन करो, उसको स्पष्ट तरीके से अनुभव करो। अगर वो गलत दिखाई दे तो छोड़कर अलग हो जाओ, लेकिन ख्याल रहे आज तक की अपनी धारणाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आप ऐसा मानते हो, मानने पर नहीं जाना, आधार जानने को बनाना है। सुनी सुनाई बातों से नहीं, निर्णय अपनी बुद्धि और विवेक से लेना है। जीवन का रूपांतरण चाहते हो तो ठीक से जीवन को समझना सीखो, ठीक से जीवन को देखना सीखो। जो आपका अभी का मन है वो भी संसार की बातें बार बार दोहराने से, बार बार कहने से बना है। संसार आपके जन्म से ही आपको समझाना शुरू कर देता है। एक तथाकथित धर्म और एक काल्पनिक परमात्मा आपको पकड़ा देता है। वास्तव में यही संसार आपको अंधा बनाता है, आपकी आंखें बंद करता है और आपको दुख में धकेल देता है। जब इस संसार की बातें आपको खराब कर सकती हैं तो इससे उल्टा भी तो होगा। इससे छूटकर जब आप सब कुछ साफ साफ देखना सीख जाएंगे, जब आपकी अपनी समझ में सब कुछ उतरने लगेगा, साफ साफ दिखने लगेगा, फिर कौन है जो आपको किसी भ्रम में डाल पाए। जैसे सिक्के के दो पहलू होते, संसार की बातों को आपने आज तक जाना है, अब इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी जान लो, फिर सत्य क्या है और असत्य क्या अपने से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। एक तरफ है आपका जीवन जिसे जिया जा सकता है, दूसरी तरफ है थोथे निर्जीव शब्द जिनसे जीवन का कोई संबंध नहीं। जीवन से शब्द निकलते हैं, शब्दों से जीवन नहीं, लेकिन आप
शब्दों में ही भटक जाते हैं, शब्दों को रटकर अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं। शब्दों को नहीं, जीवन को समझना है। एक तरफ है जीवंत परमात्मा, जिसे पाया जा सकता है, जिसे जिया जा सकता है, जिसके आनंद में उतरा जा सकता है। दूसरी तरफ है आपके झूठे चित्र, निर्जीव मूर्तियां, जिनसे परमात्मा का दूर दूर का भी कोई संबंध नहीं, उनमें आत्मा भी नहीं है। परमात्मा तो क्या खाक होगा, आपकी ही घड़ी हुई मिट्टी की मूर्तियां, आपके द्वारा ही बनाए गए चित्र, कागज पर बिखरे कुछ रंग। एक तरफ है आपके हृदय से उठता प्रेम का भाव, जो सीधा परमात्मा के हृदय में समा जाता है। दूसरी तरफ है आपका पूजा पाठ, आपकी आरतियां, आपके भजन, आपके दिए अगरबत्तियां और आपकी घंटियां, जिनसे ना तो आज तक किसी को कुछ मिला है और ना ही मिल सकता है। एक तरफ है ध्यान, ध्यान में उतरकर स्वयं की खोज, स्वयं भू, जहां शून्य से आपका मिलन होता है, जहां आप स्वयं मिटकर सृष्टि के साथ एक हो जाते, जहां आप अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करते। दूसरी तरफ है आपके तथाकथित धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिनमें उलझकर आप घृणा और हिंसा करते हैं, धर्म की रक्षा के नाम पर जाने क्या क्या उपद्रव करते हैं और करवाते हैं, और फिर भी अपने को धार्मिक मानते हैं। अगर आप अंधेरे में बैठे हैं और जानते हैं कि आप अंधेरे में हैं, तो पूरी संभावना है कि कभी आपके जीवन में प्रकाश घट जाएगा। लेकिन अगर आप अंधेरे में बैठे हुए भी अपने को अपनी ही कल्पना में, झूठी कल्पना में मान रहे हैं कि आप प्रकाश में हैं, तो आपके जीवन में कभी प्रकाश हो पाएगा, इसकी कोई भी संभावना नहीं है। यह असंभव है, क्योंकि जब आप मान ही रहे हैं कि आप प्रकाश में हैं, तो फिर प्रकाश की तलाश ही क्यों करेंगे। थोड़ा सा जाग कर देखो, यही आपके साथ हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए क्या आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, तो निसंकोच ही आप कहेंगे कि हां, आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसा मानते हैं, आप ऐसा ही समझते हैं, आपने किसी तथाकथित धर्म को अपनाया है जो कि आपके साथ जन्म से नहीं आया, आपने उसे केवल मानना है। वो आपका चुनाव भी नहीं, आप पर थोपा गया है। फिर आप मंदिर मस्जिद में जाते हैं, पूजा पाठ या नमाज अदा करते हैं, आप अपने को आस्तिक समझते हैं क्योंकि आप भगवान को मानते हैं। बिना ही उसे जाने आपको स्वयं भी पता नहीं है कि भगवान है भी या नहीं, बस मानते हैं। मानने में क्या जोर लगता है, संघर्ष तो जानने में करना पड़ता है। जानने की तो आपको कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई, जानने पर कौन मेहनत करे, बस मान लिया आंखें बंद करके। आखिर इतने सारे लोग मान रहे हैं तो सही ही होगा। बिना ये जाने कि ये सब मानने वाले ठीक आपकी ही तरह सोच रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे अंधों की भीड़ है और सब एक दूसरे का कंधा पकड़कर चले जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कहां जा रहे हैं। रास्ता कांटों से भरा है, पैर लहू लुहान हो रहे हैं, कहीं खड्डों में गिर रहे हैं, कहीं दलदल में धंस रहे हैं। इसीलिए तो संसार दुख में दिखाई पड़ता है। किसी को पता नहीं कि यहां फूल भी खिले, यहां मखमली घास भी बिछी, यहां जीवन का गहन आनंद भी छुपा है, जिसे केवल आंख खोलकर ही देखा जा सकता है।
जो कभी आंख खोल लेता है वो तुरंत भीड़ से अलग हो जाता है। जिसे कांटे और फूल साफ साफ दिखाई पड़ते हैं वो भला कांटों में क्यों जाएगा, उसे क्या लेना देना भीड़ से। भले ही सारा संसार जा रहा हो वो तो अपना मार्ग स्वयं ही खोजे। हैरानी तो इस बात की है कि सब कुछ आपकी आंखों के आगे है, सब कुछ स्पष्ट है, दिन की तरह साफ आप हर रोज देख रहे हैं। किसी पूजा पाठ से, किसी मंदिर मस्जिद से, किसी कर्मकांड से, किसी ग्रंथों के शब्दों से कभी किसी का जीवन नहीं बदलता। जीवन वैसा का वैसा बना रहता है, कभी कोई रूपांतरण नहीं होता। वही लोभ, वही अहंकार, वही क्रोध, वही काम, सब कुछ वैसा ही। कभी देखा है किसी तथाकथित धार्मिक व्यक्ति में कभी परमानंद को घटते हुए, लेकिन सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर भी आप अंधे बने रहते हैं। लेकिन सच में ही आप अंधे नहीं हैं, आपने ही अपनी आंखें बंद कर रखी हैं इसलिए अंधे। जब चाहें आंखें खोल सकते हैं, किसी ने आपको नहीं रोका, आप ही खोलना नहीं चाहते। आप अपने झूठे सपनों में ही सत्य तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ए ब्लाइंड पर्सन इज सर्चिंग ए ब्लैक थिंग इन ए डार्क रूम विच इज नॉट देयर। एक अंधा आदमी एक अंधेरे कमरे में एक काली चीज को तलाश कर रहा है जो कि वहां मौजूद ही नहीं है। यही आपकी भी हालत है। आप किस सत्य की तलाश कर रहे हैं, आप किस परमात्मा की खोज में हैं, जबकि स्थिति उल्टी है। आप परमात्मा को नहीं खोज रहे, परमात्मा आपको खोज रहा है। वो हर क्षण हर रोज आपके सामने आता है और आपको दुहाई देता है कि देखो मैं यहां हूं ठीक तुम्हारे सामने, और आप उसे धक्का देकर एक तरफ कर देते हैं और कहते हैं कि हट यहां से, मुझे परमात्मा को तलाश करना है, तू बीच में नहीं आ। और परमात्मा हर रोज अपना सर पीट रहा है। अभी मुझे किसी ने पूछा कि क्या मैंने परमात्मा को देखा है। आपका भी यही प्रश्न हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि परमात्मा कहीं छुपा हुआ है। परमात्मा कहीं नहीं छुपा, कोई जरूरत नहीं है उसे छुपने की। आंखें आपकी बंद है, आंखें खोलो तो हर तरफ परमात्मा ही नजर आएगा। परमात्मा नजर आएगा मासूम पशु पक्षियों की आंखों में, परमात्मा नजर आएगा पेड़ पौधों की हरियाली में, परमात्मा नजर आएगा उस फटे हाल भिखारी में जिसे 2 रुपए देने से अभी आप मना करके हटे। और मजे की बात यह है कि आप कहते हैं कि निठल्ले को क्यों दें, इस निकम्मे को कोई काम करना चाहिए। या फिर आप कहते हैं कि जाके शराब की दुकान से ये बोतल लेगा, शराबी है, इसे पैसा देना गलत। आप पूरे संसार का ठेका ले लेते हैं, जैसे सबका सुधार आपको ही करना है, लेकिन एक बार भी अपने अंदर नहीं झांक पाते कि आप ये सब केवल अपने 2 रुपए बचाने के लिए कर रहे हैं। जबकि थोड़ी देर पहले ही आप अपनी शान दिखाने के लिए एक रेस्टोरेंट के वेटर को 100 रुपए की टिप देकर आए। आप इतना भी नहीं सोचते कि आप अपने बारे में सोच लें, क्या आप समर्थ हैं उसे 2 रुपए देने में, क्या आपके पास 2 रुपए खोने के लिए हैं। अगर आपके पास हैं और उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उस भिखारी के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा है आप अपने बारे में सोचें, स्वयं तक ही रहें। अगर हैं तो 2 रुपए दे दें, और अगर आपके पास भी नहीं है तो फिर हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें और नम्र भाव से कह दें कि भाई नहीं है।
क्या आपको जागा हुआ कहा जा सकता है जब आप एक रिक्शा वाले से 5 रुपए के पीछे झगड़ा कर लेते हैं? क्या आप समझते हैं कि कभी प्रेम आपके जीवन में उतर सकता है? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम ही परमात्मा है जिसकी आपको तलाश है। तो क्या मैंने गलत कहा कि आप हर रोज परमात्मा को धक्का देकर एक साइड कर देते हो? अभी कुछ दिन पहले एक मित्र मिले, बहुत ही प्यारी व्यक्ति है और बहुत ही अच्छा गाते भी हैं। इसके साथ साथ अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं, जिनके एक एक शब्द पर लोग तालियां बजाते हैं। शब्दों की तो माया है, सुंदर सुंदर शब्द, बस शब्द ही शब्द, जीवन उपेक्षित खड़ा रह जाता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रेम क्या है। मैंने कहा कि ऐसा कभी मुझे ख्याल ही नहीं आया कि प्रेम क्या है, इसे जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। क्योंकि प्रेम को जिया जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह से जैसे परमात्मा को जिया तो जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। मैंने उनसे कहा, आप ही कुछ कहें कि प्रेम क्या है। वो बोले, प्रेम है श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। कितने सुंदर शब्दों को उन्होंने उपयोग किया। जो और लोग बैठे थे सभी ने तालियां बजाई। मुझे बहुत हैरानी हुई, मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या श्रद्धा, विश्वास और समर्पण कहने से प्रेम को जान लिया। प्रेम एक शब्द था, उन्होंने उसके 3 शब्द बना दिए। अब अगर पूछा जाए कि श्रद्धा क्या है, तो उसके फिर से 3-4 शब्द बन जाएंगे। फिर विश्वास क्या है या फिर समर्पण किसे कहते हैं? जैसे पत्तों में से पत्ते निकलते चले जाते हैं, ऐसे ही शब्दों में से शब्द निकलते जाते हैं। थोथे शब्द और कुछ भी नहीं, शब्द मुखर हो जाते हैं और प्रेम जीवन में कहीं पड़ा सिसकता रहता है। फिर अगर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण को मान भी लिया जाए, तो कहां से लाएंगे आप श्रद्धा, कहां से लाएंगे विश्वास, समर्पण कैसे करेंगे? क्या ये आपके वश में है? अब ये किसी में है तो है, नहीं है तो नहीं, इसमें क्या किया जा सकता है? प्रेम तो जीवन में कहीं भी नहीं, लेकिन प्रेम की कविताएं भरी पड़ी हैं। जीवन ही कहीं दिखाई नहीं पड़ता, जीवन के संबंध में ग्रंथ भरे पड़े हैं। परमात्मा जीवन में कहीं भी नहीं, लेकिन किताबें परमात्मा से अटी पड़ी हैं। धर्म चर्चा चल रही है और जीवन हर रोज नष्ट हो रहा है। फलसफे इश्क में पेश आए सवालों की तरह, हम परेशान ही रहे अपने ख्यालों की तरह। शीशा घर बैठे रहे जिक्रे मसीहा लेकर, शीशा बनाने वाले शीशा घर बैठे रहे जिक्रे मसीहा लेकर, और हम टूट गए कांच के प्यालों की तरह। शीशा बनाने वाले तो उलझे रहे धर्म चर्चा में, बड़ा महान कार्य कर रहे थे, परमात्मा के संबंध में विचार कर रहे थे, लेकिन शीशा, उनका बनाया शीशा, वो तो कब का टूट गया? क्या परमात्मा पर कोई चर्चा हो सकती है? परमात्मा पर कोई विचार हो सकता है? परमात्मा तो जीवंत है, परमात्मा तो हर रोज सूर्य बनकर उदय होता है और चांद बनकर रात को चांदनी बिखेरता है। परमात्मा तो सितारों में मुस्कुराता है, परमात्मा तो हवाओं में बहता है और फूलों की सुगंध बिखेर देता है। परमात्मा तो झरता है झरनों में, परमात्मा तो उतरता है प्रेमियों के प्रेम में। परमात्मा तो नाच रहा है, गा रहा है मदमस्त होकर, लेकिन आप कहां हैं? कांटों में,
खड्डों में या दलदल में, परमात्मा आपको पुकार रहा है, आओ मेरे साथ नाचो गाओ, आओ उतर जाओ प्रेम में। प्रेम जीवन है, प्रेम बहती हुई नदी है, प्रेम गिरता हुआ झरना है, हर पल ताजा, हर पल नया। प्रेम के अर्थ क्या है इसे जानने से क्या मिलेगा? पहली बात तो अर्थ करे नहीं जा सकते, लेकिन किसी तरह कर भी लिए तो होगा क्या? पूछा जाना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रेम कैसे उतरे, कैसे मैं प्रेम में उतर जाऊं, कैसे मैं प्रेम में गिर जाऊं। फेल इन लव, प्रेम में गिरना, यह शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। गिर जाने का अर्थ होता है मिट जाना, जहां आप नहीं बचते। आज जहां देखो प्रेम की कहानियां हैं, जहां देखो प्रेम के प्रसंग चल रहे हैं। जिसे प्रेम कहा जा रहा है वो तो प्रेम की परछाई भी नहीं। प्यार और व्यापार दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां व्यापार है वहां प्यार नहीं हो सकता, और जहां प्यार है वहां व्यापार नहीं हो सकता। व्यापार क्या है? कुछ लेना और कुछ देना, सौदेबाजी, चाहे सामान की हो चाहे पैसों की, लेन देन की ही तो बात है। आज जिस प्रेम को आप देख रहे हैं वो क्या है? क्या किसी प्रकार इससे अलग है? प्रेम दिया जा रहा है और बदले में प्रेम मांगा जा रहा है। सारा दिन यही तो रोना चलता है। पत्नी कहती है पति प्रेम नहीं दे रहा, पति कहता है पत्नी से प्रेम नहीं मिल रहा। लेने की बात है, देना तो जैसे कोई चाहता ही नहीं। जहां देखो मांग चल रही है। ये प्यार है? प्रेम तो है जो देता ही चला जाता है। प्रेम तो जिससे है उसी के हृदय से धड़कता है, उसी की सांस से सांस लेता है। प्रेम तो है मिट जाने की कला, जहां आप नहीं बचते बस वही बचता है जिसे आप प्रेम करते हैं। आप किसे प्रेम करते हैं इससे अर्थ नहीं, आप प्रेम करते हैं बस इससे ही अर्थ है। किसके प्रेम में मिटते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, आपका मिटना महत्वपूर्ण है। किसके सामने झुकते हैं इसका सवाल नहीं। आप झुक गए, आप गिर गए, मिट गए, आपका मिटना हो जाए। एक पंजाबी का गीत है, लोक गीत, देखने में तो केवल तुकबंदी लगती है, लेकिन वास्तव में इससे ज्यादा गहरे अर्थ शायद ही कोई दूसरा गीत रखता हो। कच्ची कंध उत्ते काना है, मिलना ता रब नूए, तेरा प्यार बहाना है। मिलना ता रब नूए, मिलना तो उस परम से है, उस परमात्मा से। तेरा प्यार तो महज एक रास्ता है। कच्ची कंध उत्ते काना है, काना पंजाबी में कौवे को बोलते हैं। पुराने समय में मान्यता थी कि कौवे के एक ही आंख होती, उसी आंख को वो कभी इधर करता है कभी उधर, इसलिए उसे काना कहा गया। काना का अर्थ है एक आंख वाला। और कौवा इतना चालाक है कि पता ही नहीं लगने देता कि एक ही आंख है। जीवन है कच्ची दीवार की तरह जिस पर कौवा बैठा है, क्या पता कब गिर जाए। लेकिन मन जिसे यहां कौवा कहा गया, चालाक मन, जाने कैसे कैसे प्रपंच रचता है, कैसी कैसी योजनाएं बनाता है। उसे कुछ पता नहीं कि जिस दीवार पर बैठा है, जिस शरीर में रहता है, उसका कोई भरोसा नहीं। काश के जान जाए, आज नहीं तो कल, शरीर को गिरना ही है। यहां कोई शाश्वत नहीं। प्रेम परमात्मा से मिलने की कला है। प्रेम मिटा देता है, अपने से ही मिटना हो जाता है।
फिर कभी अपना ख्याल ही नहीं आता। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जो प्रेम में उतरा फिर गया, फिर कभी वापिस नहीं लौटा, रूपांतरित हो गया। प्रेम के ही कारण परमात्मा से मिलन हो गया। प्रेम कहीं से भी शुरू, किसी से भी शुरू, अंत में परमात्मा तक ले जाता है। ध्यान में क्या होता है? ध्यान करते ही क्यों है? ध्यान भी तो मिटने की ही कला है। निर्विचार हो जाते आप, विचार के अतिरिक्त और हैं क्या? निर्विचार हुए और आप मिटे, जब आप मिटते हो तभी तो परमात्मा प्रकट होता है। अब सवाल उठता है कि पहले मिटना होगा या पहले प्रेम होगा, पहले कौन सी घटना घटेगी? अगर आप मिटोगे तब प्रेम होगा, या फिर प्रेम होगा तो आप मिट जाओगे? दोनों एक साथ घटते, कोई पहले पीछे नहीं। अब जरा सोचो कि अगर आप मिटना चाहो तो क्या मिट सकते हो? क्या ये आपके हाथ में है? अगर आप प्रेम करना चाहो तो क्या कर पाओगे? प्रेम कोई आपके करने से होगा। जो करने से होगा वो तो कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। उसे आप प्रेम समझते रहो वो अलग बात, लेकिन प्रेम तो नहीं होगा। प्रेम की परछाई भी नहीं होगा, केवल नाम ही प्रेम होगा। आपके नाम देने से कुछ नहीं होता, और ना ही आप समर्थ हैं कि आप प्रेम कर सकें। ये तो जीवन में घटने वाली एक घटना है, जो जब घटेगी तो अपने आप से ही घटेगी। बस प्रेम की इतनी ही मांग है, इतनी ही शर्त है कि आपको सरल होना है। अगर आप चालाक हैं, आपकी भाषा लेन देन की है, आप अपना नफा नुकसान हर जगह देखते हैं, फिर प्रेम असंभव है। आप निर्दोष हो जाएं, जो कि आप तभी हो सकते हैं जिस दिन आप स्वयं को जान जाएं, जब आपका मिलन आपकी चेतना से हो जाए, जब अंधकार भाग जाए और आपके चारों तरफ उजाला हो जाए, रोशनी भी हो और आपकी आंखें भी खुली हो। एक तरफ सत्य आपको आवाज दे रहा है, दूसरी तरफ आप जहां से अपने को देखोगे आप झूठ की दलदल में फंस रहे हैं। अपनी आस्था के कारण भी आप झूठ में हैं। इसलिए कहता हूं कि आस्था या विश्वास आपको अंधा करते हैं। ये आपको वही देखने के लिए मजबूर करते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। आप इतने गहरे आस्था के जाल में फंस जाते हैं, फिर अपनी आंखों से आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। फिर आपको राम तो दिखाई पड़ते हैं भगवान की तरह, जो कि सीता को गर्भवती होने के बाद भी जंगल में बेसहारा छोड़ देते हैं, वो भी केवल एक धोबी की बात सुनकर। आपको सीता का तो कभी ख्याल ही नहीं आता कि उसके साथ क्या गुजरी होगी। आपको कभी यह भी ख्याल नहीं आता कि धोबी को राम के पीछे चलना चाहिए या राम को धोबी के पीछे। एक बार भी आप नहीं सोचते कि ये कैसे राम है, ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कैसे न्यायप्रिय राजा है जो सीता के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिनके लिए सीता की अग्नि परीक्षा भी व्यर्थ हो जाती है। अगर जंगल में ही छोड़ना था तो फिर अग्नि परीक्षा की जरूरत ही क्या थी? आपको दिखाई ही नहीं पड़ता कि जब सीता को रावण से छुड़वा लिया जाता है तो वो साफ साफ शब्दों में सीता को कहते हैं कि हे स्त्री, ऐसा मत समझ लेना कि ये युद्ध मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये तो मैंने अपनी मर्यादा और अपनी आन बान और शान के लिए किया है। मर्यादा,
आन बान और शान, अगर ये सब अहंकार नहीं होता तो फिर क्या होता है? एक तो राम का कर्तव्य था अपनी पत्नी की रक्षा करने का, जिसमें वो असफल हुए। रावण सीता को उठाकर ले गया, फिर सीता से ही ऐसी बातें। सीता से राम ने कहा कि जहां तुम्हारा मन करे तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूं क्योंकि तुम अपवित्र हो चुकी हो। तुम चाहो तो बंदरों के साथ जाओ, चाहो तो राक्षसों के साथ जाओ, चाहे फिर विभीषण के साथ रहो, कहीं भी रहो। तभी तो अग्नि परीक्षा की बात उठी, लेकिन जंगल में छोड़ देने से यही सिद्ध होता है कि राम कभी सीता पर विश्वास ही नहीं कर पाए। जो पहले नहीं छोड़ पाए तो एक धोबी की बात के बहाने से उसे छोड़ दी, लेकिन यह सब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर यह सब पुकार पुकार कर आपको सच कहना चाहेगा तो आप अपने कान बंद कर लेंगे, क्योंकि राम को तो आप भगवान कहते हैं। तो फिर राम ने जो भी किया, फिर चाहे वो ठीक हो या गलत, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। अब आप अपने भीतर झूठ को उतारेंगे, लेकिन बाहर से आप कहेंगे कि आपको सत्य की तलाश है। झूठ का दामन पकड़कर आप सत्य में प्रवेश करना चाहते। वो शिव का धनुष जिसे बड़े बड़े योद्धा अपने स्थान से हिला भी नहीं पाए, सभी एक साथ मिलकर भी, हमारी रामायण में ही कहा गया है कि हजारों योद्धाओं ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की तो रत्ती भर भी उसे हिला नहीं पाए। ऐसा कितना बड़ा था वो धनुष जिसे हजारों योद्धा अपने दोनों हाथों से उठाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसी धनुष को सीता हर रोज अपने बाएं हाथ से उठाकर उसकी साफ सफाई करके उसे वापस उसके स्थान पर रखती थी, केवल बाएं हाथ से। सीता को दोनों हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं थी। तो कभी आपको ख्याल आता है कि सीता के बाएं हाथ में भी कितनी शक्ति थी? जब सीता को रावण उठाने के लिए आया तो उसके बाएं हाथ का एक ही घूंसा रावण के चेहरे का भूगोल बदलने के लिए काफी था, फिर कैसे वो उठाकर ले गया? इसे आप कभी नहीं सोचेंगे। आपको जैसे दूसरा दिखाते आ रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही देखेंगे। अपनी आंखों से कुछ भी देखने की, सोचने की या समझने की कोशिश नहीं करें। कभी आपको एक बार भी शक करना आ जाए तो रामायण भी आपकी आंखें खोलने में उपयोगी हो सकती है, महाभारत से भी आपकी आंखें खुल सकती हैं, जहां युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। केवल धार्मिक नहीं, धर्मराज, धर्म में सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान। आपको दिखाई नहीं पड़ता कि जब अर्जुन विवाह करके द्रौपदी को लेकर आता है, माता कुंती नहा रही है, अर्जुन ने कहा कि देख मां मैं क्या लाया हूं। मां ने आदेश दे दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो, तो यही युधिष्ठिर चिल्लाकर कहते हैं कि मां ने आदेश दे दिया, बस अब ये पांचों की पत्नी होगी। यहां आपको कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि युधिष्ठिर को माता को बताना चाहिए था कि पत्नी को बांटा नहीं जा सकता, पांच हिस्सों में बांट दिया। कम से कम इतना तो हो ही सकता था कि चार भाई त्याग कर देते ताकि वो किसी एक की पत्नी बनकर सम्मान पूर्वक रह पाती, लेकिन नहीं। फिर मां कुंती भी नहाकर बाहर तो निकली ही होगी, तो भी उसको ख्याल नहीं आया, क्या हो गया? लगता है कि ख्याल तो जरूर आया होगा, लेकिन आज्ञा वही सुनी गई जिससे स्वार्थ सिद्ध होता हो, फिर दूसरी आज्ञा का कोई अर्थ ही नहीं रहा। कभी आपको
द्रौपदी के बारे में भी ख्याल आता है? द्रौपदी पांचों में से किसे प्रेम कर पाई? या द्रौपदी का प्रेम पांचों के लिए एक समान था? नहीं, वो ख्याल आपको कभी नहीं आएगा। वो तो तब ही आएगा जिस दिन आप अपनी आंखें खोलकर देखना चाहेंगे, जिस दिन अपनी बुद्धि से समझना चाहेंगे। कैसी कैसी बकवास आप स्वीकार करते हैं। ये धर्मराज है जो जुए का शौक रखते हैं। जुए का अर्थ क्या है? क्या ये दूसरे की संपत्ति को हासिल करने का एक तरीका नहीं? क्या जुआ कोई हारने के लिए खेलता है? क्या जुआ कोई त्याग की भावना से खेलता है? क्या बिना किसी लोभ के जुआ खेला जा सकता है? बिना कोई कर्म किए बस केवल एक खेल से दूसरे के धन संपत्ति को हड़प जाना, वाह कितना धार्मिक काम है जो केवल धर्मराज ही कर सकते हैं। फिर आज आप जुआरियों का विरोध क्यों करते हैं? ठीक ही तो है, धर्मराज से ही तो शिक्षा ले रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर ही तो चल रहे हैं, अत्यंत धार्मिक कार्य कर रहे हैं। फिर जुआ भी कोई छोटा मोटा नहीं, पहले पूरा राज्य दांव पर लगा दिया, फिर पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। जब पांच से विवाह करवाया जब भी उसे इंसान नहीं समझा, फिर जुए में हार गए। दांव पर लगाना ही इतना सिद्ध करने के लिए काफी है कि द्रौपदी को संपत्ति समझा गया। फिर कहा जाता है कि कौरवों ने ठगी की थी, बेईमानी की थी, झूठे मोहरे फेंके थे। लेकिन कभी आपको पूछने का ख्याल आता है कि इन धर्मराज जी को जुआ खेलने के लिए मजबूर किसने किया? ये गए ही क्यों थे जुआ खेलने? जुए से आखिर ये चाहते क्या थे? अति कामी, अति लोभी, अति स्वार्थी को धर्मराज कहा जा रहा है, माना जा रहा है, आप भी मान रहे हैं। क्या यही है परम सत्य? कभी एक बार भी आपको ख्याल आ जाए कि इस प्रकार के ग्रंथ आपको कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? बस इतना ही कहता हूं कि ठीक से अपनी आंखें खोलकर देखो। मेरा उद्देश्य है आपकी आंखें खोलना है। कभी आपको ख्याल आया कि अहिल्या, जिसे इंद्र देवता ने पूरा प्रपंच रचकर अहिल्या के पति गौतम ऋषि का भेष बनाकर उसे धोखा दिया और उसे अपनी काम इच्छा का शिकार बनाया, बलात्कार किया, कभी आपने सोचा कि इसमें अहिल्या का दोष क्या था? जब इंद्र ने रूप बदलकर गौतम ऋषि का रूप धारण करके यह अति धार्मिक काम किया था तो अहिल्या के लिए तो उसके पास उसके पति ही आए थे, तो क्या गौतम ऋषि को ऋषि कहना उचित होगा जो फिर भी अहिल्या को पत्थर हो जाने का श्राप दिए चले जाते हैं? क्या इंद्र को देवता कहना उचित होगा जो अभी काम से मुक्त नहीं हो पाए, जो छल फरेब करते हैं? लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जो शुद्ध सोने की तरह हैं, जो आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जिनमें ध्यान की विधियां दी गई, जैसे शिव के ग्रंथ। लेकिन आप शिव की पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, शिव को समझने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं। ऐसे ग्रंथों के तो शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा नाम ही सुने होंगे। अगर कभी किसी को उन्हें पढ़ने का ख्याल आ भी जाता है तो केवल पाठ करने के तरीके से, अंधे की तरह। यह तो शायद ही ख्याल आता हो कि वहां से जीवन को सीखा भी जा सकता है। सबका यही हाल है। कभी गुरुद्वारे में जाएं तो पता चलेगा कि कैसे अर्थ का अनर्थ होता है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये जो सभी गुरुओं की वाणी को
ग्रंथ में लिखा गया है, इसी से जीवन की शिक्षा लेनी है। लेकिन हैरानी होती है कि कोई भाई जी जब पाठ कर रहे होते हैं तो बिल्कुल एक मशीन की तरह, एक शब्द भी उनके जीवन में उतरता हो या सुनने वाले के जीवन में उतरता हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। गुरु केवल इन अर्थों में माना कि ग्रंथ को एक अच्छी शैया दे दी, ग्रंथ को ग्रंथ साहब कहने लगे, चौर झुला दिए। ग्रंथ की आत्मा में क्या है ये तो शायद ही किसी को दिखाई पड़ा हो, जो है सब बाहर बाहर, भीतर की आत्मा तक प्रवेश तो हो ही नहीं पाता। मैं जानता हूं कि बहुत से मित्रों को मेरी आज की बातों से बहुत चोट पहुंचेगी, सच पूछो तो चोट ही पहुंचा रहा हूं, लेकिन उनके प्रति गहरे प्रेम के कारण, नींद बहुत गहरी है, इस चोट से भी जाग जाए तो शुभ। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि आज बहुत कुछ टूटने वाला है, बहुत से कल्पनाओं के जाल, बहुत से हसीन सपनों के हवा महल आज गिरने वाले। मैं ये भी जानता हूं कि मुझे ये भी कहा जाएगा कि मैंने सब कुछ हिंदू धर्म के बारे में ही क्यों बोला। बहुत से मित्र चैलेंज भी करेंगे, पहले भी करते आए हैं, कि मुस्लिम के बारे में बोलकर दिखाओ। लेकिन कौन कहेंगे, ये केवल हिंदू ही होंगे, कोई मुस्लिम ऐसा नहीं बोलेगा। मैं हैरान होता हूं कि ऐसे मित्रों को अपनी बीमारी की फिक्र नहीं होती, ये अपने को ठीक नहीं करना चाहते, ये पड़ोसी को ठीक करना चाहते, इनको खुद को भयंकर कैंसर है, लेकिन ये कहेंगे कि पड़ोसी की टीबी का इलाज क्यों नहीं करते। मुझे बहुत दया आती है ऐसे मित्रों पर जो कभी आंखें नहीं खोलना चाहते, इनको कितनी भी कोशिश करो, कितना भी हिलाओ, कितना भी इनसे प्रेम करो, ये मारने को आ जाएंगे। उनके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सोए रहना चाहते हैं वो मजे से सोए, उनको मैं भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। उन्हें वर्ल्ड लिंगर्स चैनल पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये चैनल उनके लिए है भी नहीं, ये चैनल तो केवल उनके लिए है जो बुद्धिजीवी हैं, जो साहसी हैं, जो सत्य की खोज के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है, सत्य के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा सकते हैं, जो इतनी गहरी समझ रखते हैं कि हर बात को ठीक से समझ पाते हैं। नहीं तो आप हर रोज देख ही रहे हैं मूर्खों की भीड़ को, स्वार्थी लोग, बिल्कुल मुट्ठी भर लोग हिंदू मुस्लिम करके इनको आपस में लड़ा रहे हैं। आजकल तो रोज की खबरें, काश के इनको समझ में आ जाए कि इनका कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, हर रोज इनको धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है, और ये सब कुछ पता होते हुए भी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानते, सबको पता है कि राजनीति कैसे होती है, फिर भी जाति पाति का तथा कथित धर्म का शिकार होकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। काश के एक बार आंख खोलकर देख ले, कितना मजा आए कि लोग इनको लड़ाने के लिए, उकसाने के लिए आए और ये प्रेम की बात करें, ये घृणा का समर्थन नहीं करें। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे अर्थों में धार्मिक होगा तो उसके जीवन में कभी घृणा नहीं हो सकती, उसके जीवन से प्रेम बहेगा। जब भी कोई धार्मिक होता है, तथाकथित धार्मिक नहीं, वो तो घृणा से भरा पड़ा है, जब कोई वास्तव में धार्मिक होता है तो वो कभी ना मुस्लिम होता है, ना हिंदू होता है, ना ही कुछ और, वो केवल वही होता है जैसा प्रकृति ने उसे बनाया। वो कभी इन छोटे मोटे पिंजरों में कैद नहीं होता, पूरा आकाश उसी का होता है, पिंजरा नहीं,
वो इन तथाकथित धर्मों से तुरंत बाहर हो जाता। सारे तथाकथित धर्म उसके सामने बौने पड़ती थे। वो आजाद है, किसी गुलामी को स्वीकार नहीं करता। फिर वो अपना मालिक है, उसका कोई फायदा नहीं उठा सकता, उसको कोई दूसरा पगला नहीं सकता, क्योंकि इसकी आंखें खुली। एक बार भी अगर आप सोच लें कि अगर कभी यहां जाति पाति और ये तथाकथित धर्म जो केवल नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं, अगर ये लोग इनको छोड़कर बाहर हो जाए, अगर सभी इस नफरत के कारोबार से बाहर हो जाए, फिर इनको कोई लड़ा पाएगा? क्या कोई किसी का गला काट पाएगा? फिर क्या कोई दूसरों से घृणा कर पाएगा? आप प्रेम को धार्मिक कहेंगे या फिर घृणा को? प्रेम धार्मिक है या घृणा, बस इतनी सी ही बात। जो भी बुद्धिमान है उसे मेरी बातें बिल्कुल ठीक से समझ आएंगी। वो ये भी जानेगा कि इस सब को कहने की मुझे क्या जरूरत थी। लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है, जो जागना नहीं चाहता, मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं। सत्य की खोज करनी है तो सत्य भी कहीं छिपा हुआ नहीं। सत्य तो शुद्ध सोने की तरह है। आप ध्यान से देखें कि कितने सारे झूठ के कचरे के नीचे आपने सत्य को दफन किया है। इसलिए जो भी मित्र मुझे कहते हैं कि मैं उनको ज्ञान दूं, इसे अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं उनके कचरे के ढेर पर और कचरा डाल दूं ताकि सत्य और भी गहरे दफन हो जाए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ध्यान से देखो, जिसको आप ज्ञान कहते हैं, कहीं उसी ने तो आपको सत्य से दूर नहीं कर दिया? आपका ज्ञान ही कहीं आपके रास्ते की रुकावट तो नहीं बन रहा? देखना चाहोगे तो सब कुछ दिखेगा, नहीं चाहोगे तो आपकी मर्जी। बहुत से मित्रों ने टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा के बारे में पूछा है क्या सच में ही आज से 200 साल पीछे या फिर 200 साल आगे समय में आगे या पीछे जाया जा सकता है? अगर जाया जा सकता है तो कैसे? मैं कहता हूं कि हां, जाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। इसमें भी हम अध्यात्म को खोज सकते हैं, इससे भी हम अपनी चेतना को पहचान सकते हैं। इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। मैं धर्म और विज्ञान को बिल्कुल भी अलग नहीं समझता, उनका उद्देश्य अलग नहीं है। अध्यात्म और विज्ञान एक ही बिंदु की तरफ यात्रा कर रहे हैं, भले ही एक दूसरे से विपरीत दिखाई पड़ते, पर वास्तव में विपरीत नहीं, लक्ष्य एक ही है। अध्यात्म सब चीजों को जोड़ जोड़ कर एक करता चला जाता है, फिर जब सारा अस्तित्व जुड़ जाता है तो उसे ही परमात्मा कहता है। जो भी मौजूद है, चांद, सितारे, आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मांड भी एक नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनगिनत अनंत ब्रह्मांड, सब कुछ का जोड़, उसी को परमात्मा कहता है। विज्ञान है जो चीजों को तोड़ तोड़ कर देख रहा है। विज्ञान आखिरी छोर तक जाना चाहता है, अध्यात्म आरंभ पर जाना चाहता है। एक ही चीज के दो सिरे, लेकिन यहां जो भी मौजूद है सब गोल है। एक गोले में देखते हो, जहां आरंभ होता है अंत बिल्कुल वही होता है, जरा सा भी फर्क नहीं, ठीक वहीं पर। एक गोले की परिधि पर भले ही दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ पीठ करके चलते दिखाई पड़े, लेकिन वो दोनों गोले के दूसरी तरफ एक ही बिंदु पर जाकर मिलेंगे,
एक के लिए वो अंत होगा, एक के लिए वो आरंभ होगा। यहां एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी सही अर्थों में आस्तिक तभी हो सकता है जो पूरे अस्तित्व के साथ अपने को जोड़ ले, जो ये अनुभव कर ले कि अब वो पूरी सृष्टि से टूटा हुआ नहीं, अब वो अलग नहीं। अन्यथा किसी भी पूजा पाठ या मंदिर मस्जिद से, गुरुद्वारे से या चर्च से, या फिर किसी भी धार्मिक ग्रंथ को रटकर कोई धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मांड का विषय और समय के पार जाने का विषय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़कर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सबको समझने की कोशिश करेंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि सत्य चाहे कितना भी कड़वा दिखाई पड़ता, कितना भी असहनीय दिखाई पड़ता, लेकिन बहुत ही मीठा और प्यारा है। सत्य का मार्ग ही परमात्मा का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही आप परमात्मा तक की यात्रा पूरी कर सकते हैं। मेरे शब्दों में चाहे आज कितनी ही कड़वाहट क्यों ना महसूस हो, लेकिन इसके भीतर छिपे मेरे प्रेम को आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर जिन बातों में आपकी आस्था है, विश्वास है, जिन बातों को, जिन धारणाओं को आप पहले ही मान कर बैठे, अगर वही बात मैं आपसे करूं तो आपको उससे क्या मिलेगा? फिर तो वो किसी पिटी बात नहीं। सभी कर ही रहे जिनसे आपको कोई लाभ ना तो आज तक हुआ है ना कोई हो सकता है। आप इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप जो भी उचित समझें आप करें। मैं आपके लाइक्स को भी और आपके डिसलाइक्स को भी पूरा सम्मान देता हूं। बस इतनी ही कामना आज मैं आपके लिए करूंगा कि आप मेरे उद्देश्य को जान जाएं और आपके प्रति मेरे गहरे प्रेम को पहचान जाएं। आपकी आंखें खोलने में आज की वीडियो सहयोगी हो और अपनी पूर्व धारणाओं से बाहर आकर आप सत्य का साक्षात्कार करें, अपनी गहरी नींद से जाग जाएं, ताकि आप भी कांटों, खड्डों और दलदल से निकलकर फूलों की राह पर चल सके। हम सब मिलकर इस संसार को नरक से स्वर्ग में ले जाए। हम हिंसा के पक्षधार ना हो, हम प्रेम की बात करें, हम प्रेम की गंगा फैलाएं, हम प्रेम की बातें करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।